क्या? यार मम्मी इसे दी। हाँ? हाँ। अच्छा मम्मी इसे। कब मारा? कैट की मम्मी ने मारा। हाँ। कब मारा? हाँ। कब मारा ईशु? कब? 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 कब मारा? कब? ईशु गुड मॉर्निंग बोल दो। हाय गुड मॉर्निंग बोलो। हाय गुड मॉर्निंग ईशु। ये हाय गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। हाय गाइस। हाय फ्रेंड्स। हाय गाइस। हाय गाइस। Hi guys. Hi guys. Hi Welcome guys. Back to my channel. Bolo. Welcome. Welcome. Bolo welcome. Welcome. Back. Back. To. To. My. My. Channel. Then. Welcome back to my channel. Welcome. Yay. Yeah. Good morning. किच्छ दो मम्मा को good morning किच्छ दो. अच्छे से. इनको दे दो। क्यों? किच्ची दे दो इनको। ओके। ना। हाँ दे दिया। तो दोस्तों आपने स्टार्टिंग में देखा होगा ईशु एक्सरसाइज कर रही थी। मैंने नहीं बताया, वो खुद कर रही थी। शायद उसने यूट्यूब में देखा होगा या फिर उसने अपने पापा को देखा होगा, क्योंकि मैं तो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ और इसके पापा करते हैं या फिर वो यूट्यूब में देखती है। तो बच्चे के सामने ना कभी भी कोई चीज़ ऐसे करना चाहिए, मीन्स कि हो सके तो, ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग बच्चों को ना अच्छी ही चीज़ें करें, बट हो सके तो हमें ना अच्छी चीज़ करना चाहिए, जैसे कि बच्चे हमसे देखकर कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखें। मुझे पूछते हैं ना बार बार कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं आपके हेयर में, जो आपके जो हेयर फॉल्स हो गया था और यहाँ से ना ज़्यादा ही हो गया था, तो जो आपके हेयर है कैसे मतलब कि रीग्रोथ हो गए हैं और कैसा मतलब जो हेयर फॉल्स है वो कैसा रुक गया है, तो उसके बारे में बताइए। तो मैं है ना ये जो दो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ इसके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। तो दोस्तों ये है माय फेव का हेयर फॉल्स कंट्रोल सीरम है, एंटी थिनिंग हेयर सीरम है, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और जैसे कि आपकी हेयर का जो वॉल्यूम होता है उसको इंक्रीज़ करता है और जो हेयर फॉल्स होता है उसको रिड्यूस करता है। हाँ दोस्तों ये केमिकल फ्री है, मीन्स इसमें जैसे कि सिलिकॉन पैराबिन जो केमिकल होते हैं उस टाइप का यूज़ नहीं किया गया है, तो हमारे हेयर के लिए स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है और बिल्कुल भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। और जैसे कि आपको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप है ना मॉर्निंग और नाइट में आप इसका ना यूज़ कर सकते हो, और जैसे कि आपका जहाँ पर हेयर फॉल्स हो रहा है या फिर हुआ है उस जगह पर आपको इस ड्रॉप से लेना है, और जहाँ पर आपका हो रहा है वहाँ पर आपको 60 सेकेंड मीन्स एक मिनट के लिए आपको मसाज करना है। और जैसे कि आप मॉर्निंग नाइट में यूज़ करोगे आपको लगेगा कि ये ऑयली तो नहीं है, बट ये आपको बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं कराएगा। और हाँ दोस्तों इसका जो प्राइस है वो है 449 रुपीज़ है। और हाँ दोस्तों आप इसको लेना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हो, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो MyFave25 तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको अगर इसका रिजल्ट नहीं मिलता है इनकेस तो आपको 60 डेज के अंदर आपका जितना भी आपने पैसा मतलब जितने का भी ये सीरम था आपको ये रिफंड मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है माय फेव का एंटी फ्रिज हेयर मिस्ट है, मीन्स कि जैसे हमारे फेस के लिए कैसे मिस्ट यूज़ करते हैं वैसे ये हेयर के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें है कले ऑयल है, आर्गन है, मीन्स कि आर्गन ऑयल है एंड विटामिन ई है, जैसे कि आपके हेयर ड्राई है फ्रीजे है, तो इसका स्प्रे करने से आपके जो हेयर है ना अच्छे सिल्की स्मूथ और सॉफ्ट हो जाते हैं और शाइन करते हैं। और इसमें जिसके वेगन एंड पैराबिन फ्री है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका यूज़ करने से आपके जो हेयर है वो जैसे कि फ्रिजी होते हैं तो अच्छे हो जाते हैं मींस की। और तो ये है ना आपके मन में डाउट आएगा कि कितने देर तक रहेगा, तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बहुत देर तक ये रहेगा, वर्क करेगा और वैसे आपके सिल्क शाइन आपके जो हेयर है वो बने रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें होता है कले ऑयल, तो उसमें होता है ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है जो आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, आपके स्कैल्प को डिटॉक्सिफाइड करता है और आपके स्कैल्प को हाइड्रेशन देता है।
और विटामिन ई आपके स्कैल्प को अच्छा हेल्दी बनाता है, शाइनी बनाता है, मींस की हेयर को शाइनी बनाता है और हेयर को स्ट्रेट बनाता है। तो दोस्तों आप जब भी कोई सीरम या हेयर स्प्रे जो भी यूज़ करते हो उसको सबसे पहले शेक कर लीजिए जैसे कि मैंने किया है, और जहाँ पर आपके जो फ्रीजी हेयर है वहाँ पर 6 सेंटीमीटर दूर रखकर आप इसे स्प्रे कीजिए। और स्प्रे करने के बाद आप इसको है ना हल्के हाथों से रब कीजिए। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। और हाँ दोस्तों आप व्हाट्सएप के थ्रू भी इसको ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ पर मेंशन नंबर कर दूँगी, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और इसका जो प्राइस है वो है 449 रुपीज़ है। और हाँ दोस्तों आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो MyFave25 तो आपको 25 का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों आप जरूर इसे परचेज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा सीरम है, हेयर सीरम है, प्लस इसमें आपको स्प्रे भी मिल जाता है जैसे कि फ्रीजी हेयर के लिए है ना, तो वो मिल जाता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मनी बैक गारंटी है तो बहुत अच्छी बात है। और बस मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग सोकर उठ गए हैं, और बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों जैसे कि मुझे कमेंट्स भी आ रहा था कि मेरी जो लिप्स है मतलब जो लिपसिंग है वो मैच नहीं होता है वॉइस से, तो पता नहीं जैसे मैंने न्यू मोबाइल परचेज़ किया तब से ऐसा ही होने लगा है। मीन्स कि इसका कैमरा में कभी मैच होता है कभी नहीं मैच होता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वॉइस और मेरे जो लिप्स वो मैच क्यों नहीं होते, अलग क्यों भागते हैं। तो जैसे कि मैं तो खुद ही सामने है ना मतलब मोबाइल से बात करती हूँ, बट फिर भी ऐसा होता है, मुझे चेक करना पड़ेगा। बहुत सारे मतलब कि आप लोगों की कंप्लेंट भी आई थी कि ऐसा हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है, तो बस यहाँ पर हो रहा है ब्रश अभी। तो दोस्तों आज काफ़ी टाइम हो गया था, इशू पता है क्या करती, जैसे मैं उठ जाती तो इशू मेरे साथ भी उठ जाती है और फिर वो मुझे बेड से उठने नहीं देती, जैसे उठ जाती है तो वो रोने लग जाती है या फिर उसकी डिमांड रहती है इशू की बाहर लेकर चलो। और आज जो मौसम है इतना ख़राब था, इतना ख़राब बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि बारिश हुई बोलना हमारे यहाँ पर हल्की हल्की से हुई है बट मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो फिर इसी कारण इशू को मैं बाहर नहीं लेकर जाती हूँ क्योंकि मौसम ख़राब रहता है। वैसे भी इशू का बहुत जल्दी ही जैसे ना उसको सर्दी वगैरह हो जाती है, तो उसको ना होती ही रहती है, पता नहीं मौसम के कारण होती किसके कारण होती है बट होती रहती है, इसी कारण मैंने ना उसको बाहर नहीं लेकर जा रही थी। तो फिर इशू बहुत देर तक लेती रहती है तो मुझे भी लेटना पड़ता है, नहीं तो मेरा मॉर्निंग में जैसे नींद खुल जाती है ना तो उठने का मन करता है। और इशू के पापा नहीं है क्योंकि इशू अभी है ना जैसे कि NTB वालों के जैसे गेम्स वगैरह होते हैं एथलेटिक्स गेम्स वगैरह, तो वो वहाँ पर गए हैं और सागर गए हैं पार्टिसिपेट करने के, फर्स्ट टाइम गए हैं, तो इसी चक्कर में हम दोनों माँ बेटी ही घर में हैं अभी तो फिलहाल में। और जैसे हस्बैंड वगैरह नहीं रहते हैं तो बिल्कुल घर में अच्छा नहीं रहता लगता है, और प्लस पता है क्या होता है ना, खाने का मन करता है ना कुछ बनाने का मन करता है, सबसे ज़्यादा पता नुकसान यही होता है मुझे, जैसे हस्बैंड नहीं रहते हैं तो मैं खाने पीने पर ध्यान नहीं देती क्योंकि मेरा मन नहीं करता है। और इशू ये तो चलिए ठीक है, इसी के कारण कुछ ना कुछ मैं बना ही लेती हूँ, चलो खाना नहीं चाहिए सही बट मैं उसको हेल्दी चीज़ें देती हूँ जैसे पनीर हो गया एग हो गया, तो ये सब चीज़ें मैं उसको देती हूँ। और हाँ खाना वगैरह भी बनाती हूँ ना, बट बहुत कम ऐसा होता है कि मैं खाना बनाती हूँ, या फिर इशू को चीले पराठे सब कुछ बना के दे देती हूँ ताकि इशू का कम से कम पेट अच्छे से भर जाए, मेरा भरे चाहे ना भरे, मैं अपनी केयर करूँ चाहे ना करूँ, बट जब बच्चे हो जाते हैं ना उनकी केयर सबसे ज़्यादा होने लग जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं धूप मिस है थोड़ी सी है बट ज़्यादा नहीं है, और ये धूप भी थोड़ी देर में चली जाएगी, इसी चक्कर में मैं ना बाहर नहीं निकलती। और मुझे ना ये जाली वगैरह जो लगी हुई थी ये भी निकालना था, और यहाँ पर मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ना, तो वहाँ पर जैसे कि दीदी जो आती है झाड़ू वगैरह लगाने के लिए बर्तन साफ़ करने के लिए वो लगाती नहीं, तो मैं लगा लेती हूँ, डेली मुझे लगाना ही पड़ता है, तो मैंने सोचा कि चलो इसके साथ ही जो जाली वगैरह लगी है उसको मैं निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी बताइएगा, और पता ठंडी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए हीटर चालू है, और ये देखिए इशू अभी सो रही है, इशू अभी सो गई, इसी कारण मैं अपनी जो एडिटिंग वगैरह वो कर रही थी, आवाज़ से टूट गई शायद,
और ये देखिए मेरा मेकअप का सामान मैंने सेट नहीं किया था, तो अभी है ना मैंने निकाल के रख दिया, सेट करना पड़ेगा। और आपको है ना मौसम दिखा दो, अभी देखना मौसम हमारे यहाँ का इतना ख़राब है। ये देखिए एकदम ठंडी और बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की सी बारिश हुई और बहुत ज़्यादा ठंडी, बाहर बिल्कुल निकलने का मन नहीं कर रहा। और अभी टाइम पता है शायद 3 या 4 ऐसा कुछ हुआ होगा, यहाँ पर टाइम शो नहीं हो रहा है। और हाँ दोस्तों, मेरी जो लिप्स हैं वो मैच नहीं होता है, जैसे कि मैं ऐसे फ्रंट कैमरे से बात करती हूँ ना, तो मेरा जो वॉइस और लिपसिंग है वो मैच नहीं हो रही। पता नहीं जब से न्यू कैमरा मैंने परचेज़ किया, कैमरा मीन्स की जब से मैंने न्यू मोबाइल लिया है ना, तब से मैच नहीं हो रहा है। इसकी सेटिंग आई थिंक मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं हाथ सीखती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। एक हाथ तो मेरा बस बिल्कुल ठंडा हो गया जिस हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। और आज का ब्लॉग कैसा लगा है ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए रेगुलर और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। और कैसा लगा तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट्स करके बताइए। दोस्तों मिलती है न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।